अरे बियर गिल से इनने पत्थर से पत्थर टकरा के आग लगा दी। हमें मेल गाने सुनने, फीमेल नहीं। मेहनत के साथ साथ रोंजन सर हमारे हमेशा की तरह आटा मारते हुए पूरी तरह से रेडी हो गई है। अब उतारने लाइक कि आप तीन बर्तन देख रहे हैं, एक में चावल तैयार है, एक में दाल तैयार है। और भाई साहब कितने सारे लोग लगे हैं आज टिक्कर बनाने में। बढ़िया जीनु सर तो सीख रहे हैं, लगभग चावल बनने की तैयारी पर ही है अपने। पहुंच गए मेन रोड पे, मस्त मौसम है यार। मेरा नाम डेविड है और आज के इस प्यारे से वीडियो में आपका स्वागत करता हूँ। ये गाड़ियाँ हैं हमारे साथ और हमारे काफ़ी सारे दोस्त हैं। आज हम लोग जा रहे हैं बढ़िया सी जगह पिकनिक बनाने। पिछले वीडियो में आप देख चुके हैं पनिहार के आगे जो बरई गांव है, बरई से आगे सांग नदी जो पड़ती है, वहाँ जाके हम लोग आज पार्टी बनाएंगे और आपको दिखाएंगे क्या मजे होने वाले हैं। तो वीडियो बन रहे ना, शुरू में वीडियो को लाइक और चैनल पर आज नए हैं आज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बैठो बैठो बैठो, आज भैया सवारी गाड़ी से होने वाली है हमारी कार से। चलो पहले आप यहाँ पे गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं हमारे रोंसन सर और जो खूबसूरत सी गाड़ी इन्हीं की है दोस्तों, आप लोग बधाई दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में। यात्रा की शुरुआत जिंदगी छावनी से की थी, अभी हम लोग जा रहे हैं कैंसर पार्टी के लिए। वहाँ से जाएंगे शिवपुरी रोड होते हुए पनिहार। गाड़ी है इससे हम लोग आए हैं और थोड़ी देर यहाँ रुके थे, इंतजार कर रहे थे अपने भाई लोगों का। आ गए सब लोग, एक गाड़ी और आई है, पहुँच गए हैं पनिहार चौक। चलिए भाई अब प्रवेश कर रहे हैं हम लोग बरई की तरफ। आ गया बढ़िया सा टनल। बढ़िया सांग नदी के किनारे पे पहुंच गए, जाने दो। पप्पा ये काय परेशान हो रहे हो यार, भारी सबसे सामान तो मैं उठा लेता हूँ। तो हम लोगों ने गाड़ियाँ वहाँ पार्क कर दी है, अपना अपना सामान ले लिया है, पहुँच गए हम लोग फाइनली अब बढ़िया सांग नदी के किनारे। नदी का पानी बहुत कम हो चुका है, मतलब उतर चुका है। तो भैया अब सामान ले लेके जा रहे हैं, सब काम कराएंगे आज। आ गए सब लोग, बढ़िया सी लोकेशन हम लोगों को मिल गई है, पानी भी करीब है। रख दो भैया सामान, लोकेशन फाइनल कर ली है, सब भाई लोग काम पे जुड़ चुके हैं। और साथ ही साथ मनीष भाई अपने पिटारे में से क्या निकाल रहे हैं, मूली वेजिटेबल्स जो हम लोग के आए हैं। हमारा किराने का सामान बढ़िया, दाल वाल सब लोग ले, सब कुछ चावल वगैरह। अपन भैया रोंदन सर मिलके चूल्हा बना रहे, बढ़िया पूरा जंगल इकट्ठा करके रखेंगे, दूर दूर तक जा रहे हैं लकड़ियां उठाने। सर कितना लकड़ी मिल गया, चूल्हा जलाने की तैयारी हमारे अनुभवी लोगों के द्वारा। सबके सब सब्जी धुलाई कर रहे हैं, बढ़िया यहाँ पे दाल बनने की तैयारी करते हुए आ रहे पप्पन भैया, सीनियर खिलाड़ी। ओह माय गॉड कितना तेज आग जल रहा है, पहले दाल उबाली जाएगी ना पप्पन भैया, मस्त मस्त स्प्राइट की शुरुआत बढ़िया सी लोकेशन पे, मजा ही आ गया, मजा आ रहा है। बढ़िया ठंडी ठंडी स्प्राइट, यहाँ की गर्मी लगने लगी है, जो शहर के अंदर सर्दी थी ना वो यहाँ पर नहीं है, एकदम मस्त चटकती धूप है। सबकी जैकेट उतर गई है, काफी लोग शर्ट में भी आ चुके दोस्तों, अभी दो लोग और हैं हमारे, दो भाई लोग हैं वो लोग भी आ रहे हैं। क्या हालचाल, मजा आ रहा ना, मजा एक नंबर, लोकेशन बहुत सुंदर लग रही है। जितने भी समय आओ ना यहाँ पे दोस्तों, कुछ अलग ही वातावरण देखने को मिलता है, बारिश में अलग, सर्दी में अलग, गर्मी में अलग, बहुत प्यारी जन्नत जैसी जगह है ग्वालियर के पास। व्यवस्था बैठा ली है भाई लोगों ने, बढ़िया प्याज व्याज कटिंग चल रही है, यहाँ पर मूली की छिलाई चल रही है। हमारे आज मेहमान आए हैं वो यहाँ पर आके मटर छिल रहे हैं, शादी का माहौल बन रहा है। हाँ लग रहा है किसी बारात में आए, पता नहीं सब मैरिड है। देखो हम लोग तो दोबारा शादी नहीं करेंगे, जिसने दोबारा करने की मन में जिसने लड्डू नहीं खाया वो बैठा है अकेला रह गया प्रदीप, वो प्रदीप अकेला रह गया जिसकी शादी देखनी है। प्रदीप नहीं बुला ले बारात को, लड़की वालों को भी बुला लो, खाना भी तैयार है, जगह भी तैयार है, तो है लेकिन पता नहीं कब होगी शादी। हंसी मजाक चल रहा है, क्या करें जब ऐसी जगह आए, थोड़ी हंसी मजाक जरूरी भी है।
ये लो खीरा, अरे लो कड़क खीरा। सारे गरम मसाले इसमें डल चुके हैं, जैसा कि अभी आपने देखा मैंने तेल डाला था, सो गरम होने देते हैं। काली मिर्ची कूट रहे हो? बढ़िया। प्याज की बारी। पूरी दाल उबाल रही है पूरी तरह से, अब दाल छौंकने की तैयारी यहाँ चल रही है, और यहाँ पर हम लोग जो ग्रेवी तैयार कर रहे हैं चिकन की कर रहे हैं। डाल देते हैं थोड़ा सा और दे दो। ये चिकन ग्रेवी तैयार हो रही है इधर। यहाँ पे जो चिकन की ग्रेवी तैयार कर रहे थे लगभग पूरी तरह से हो गई है, अभी इसमें मसाले डालना बाकी है जो पिसे हैं। साथ ही साथ हम लोग तैयार कर रहे हैं यहाँ पे दाल के लिए मसाला, और ये जो दाल हमने उबाली थी इसका लगाएंगे इससे छौंका। यहाँ चिकन भी बन रहा है, दाल भी बन रही है, और बढ़िया बिरयानी वाले चावल भी बनेंगे, मजा ही आ जाएगा। तो निकालो मसाले, बड़ी फुर्ती से बन रहा है। और ये जो पिसा मसाला था मैंने सब मिक्स कर लिया, इसमें हल्दी मिर्ची धनिया सब मिला के उसको उसमें डाल देते हैं। पप्पन भैया एकदम बराबर की टक्कर दे रहे हैं। पप्पन भैया भाई साहब यहाँ पर देखिए, वो बन रहा है अपना दाल की मसाला तैयार हो रहा है, और जो चिकन का रेडी लगभग हो ही गया है। डाल दो इसमें आराम से प्याज से। और सर डाल दो इसमें, चलो बढ़िया। कहाँ पे? मैं वो तेंदुआ नहीं थी, गाय थी। रोंजन सर ने दुकान संभाल ली अपनी, बढ़िया मिक्स कर दो। दुकान अभी आटे का दुकान है भाई यार, आटा जो मार रहा है खराब हो रहा है यार। बड़ी जल्दी सलाद तैयार कर दी रोंजन सर आपने यार, खाने के लिए रेडी हो। गजब की दाल हमारी हो चुकी है तैयार, पूरी तरह से रेडी हो गई, अब उतारने लायक। मस्त ऑटो 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 भैया, ऑटो 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 ऑटो, दाल रेडी हो गई हमारे पप्पा ने यार बना ली है मस्त आराम से। मेहनत के साथ साथ रोंजन सर हमारे हमेशा की तरह आटा मारते हुए। हर बार तो यार मेरे को थाने सुनने घर पे आदमी का टैलेंट भारी दिखता है। और यहाँ बातों बातों में मेरा चिकन भी रेडी हो गया है जो मैंने बनाया भाई लोगों के लिए, ये देखिए मस्त है ना गजब, एकदम धुआंधार एकदम मस्त। यार मैंने तो खाना छोड़ दिया पर बनाने में मेरे को आनंद आता है। आपने देखा कैसे हम लोगों ने चिकन तैयार किया है, दाल तैयार गई, अब है पुलाव की बारी। यहाँ पर तीन लोग बड़ी मेहनत कर रहे हैं लकड़ियाँ एकत्रित करने में, और हम लोगों ने खाने का डिपार्टमेंट संभाल रखा है। यहाँ किसी ने ये देखिए इसने खाने का संभाल रखा है, ये खा रहा है और वो गूंद रहे हैं कोल्ड ड्रिंक के साथ, गजब बढ़िया। मटर के साथ साथ इसमें छल्लेदार प्याज भी डल गई है, अपन ने बढ़िया पुलाव वाले चावल। क्या बात है, क्या बात है भैया, एक और आ गया भैया मुरैना से। लगभग चावल बनने की तैयारी पर ही है अपने, थोड़े से रह गए बस भाई लोगों, पानी और सुखाना बाकी रह गया है। गाओ चूड़ी जो खनी थी, हमें मेल गाने सुनने, फीमेल नहीं। मेल में मस्त महफिल सजी है, खाना वहाँ बन रहा था, जगह चेंज कर दी, इधर आ गए क्योंकि यहाँ धूप कम है, वहाँ धूप ज्यादा है, सरकार बदल गई। पप्पन भैया कह रहे हैं अरे बियर गिल्स है, इनने पत्थर से पत्थर टकरा के आग लगा दी। अरे दुआ तो छोड़ दो, तो जाओ।
कि आप तीन बर्तन देख रहे हैं, एक में चावल तैयार है, एक में दाल तैयार है और एक में चिकन की सब्जी तैयार है। साथ ही साथ यहाँ पे हमारे दोनों भाई लगे हुए हैं टिक्कड़ बनाने की तैयारी में। इनके सुपरवाइजर हमारे सुनील सर, बाकी सब कर्मचारी लग चुके हैं काम पर। सुनील सर गाइड कर रहे हैं। मस्त यार, ये दिन भाई अच्छे अच्छों के नसीब में नहीं आते हैं। देखो लोगों की किस्मत में ये सब चीजें नहीं मिलता है, जीते हैं। सही बात है, यही प्यार, यही एकता। 27 का सब कुछ अच्छा रहा, पर लोग 28 को निकल जाएंगे। एक और प्लान तैयार। ये भाई साहब कितने सारे लोग लगे हैं आज टिक्कर बनाने में। बढ़िया जीनू सर तो सीख रहे हैं। नहीं, सबको आता है पर करते नहीं। ये ट्रेनिंग हमारे सुनाती रहती है। आता सबको है, दिखाता कोई नहीं। खाना तैयार हो चुका है, सब भाई लोग बैठ चुके हैं अपनी अपनी व्यवस्था के साथ। यस। कैसा बना है? बढ़िया, एक नंबर। चलो ये लो टिक्कड़। प्लेट लग चुकी है, सलाद तो दे दो यार। सलाद कहाँ है? सलाद मस्त वाला। इंतजार की घड़ियां खत्म, जिस चीज के लिए मेहनत की थी आज वो हमारी थाली में, इसको निपटाते हैं और फिर मिलते हैं आपसे। मेर भाई वो समय क्या मजे यार। देवर जी नहीं है वो देवर तो छेड़ रहा है, मजा आ गया। उसको जिक्र देना, सबसे पूंछ हिला हिला के थक ही जा रही है खुदिया। मिलेगा तुमको भी मिलेगा। कहां बैठे हो तुम? नंबर आएगा, रुको अभी। अब ये खुश हो जाएगी। हमारा सनी भाई खाना खा रहे हैं अभी, रुको। अरे बर्तन धुल गए हमारे। फाइनली सब कुछ पैक हो चुका है, अब घर निकलने की तैयारी। बड़ा मजा ही आ गया आज तो है। क्या प्यारा सा सूरज लग रहा है यार डूबता हुआ। फोटो शूट करेंगे, मजा आया कि नहीं आया? एक नंबर। चले चलो। तो आज के इस खूबसूरत दिन की प्यारी सी पिकनिक यहाँ पे हम लोगों ने एंजॉय करी है, बहुत मजा आया। आप लोग भी अनुभव लीजिए किसी दिन यहाँ पर आके, बनाइए खाइए और पर ये आसपास के वातावरण को साफ जरूर रखिए। तो आज की वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं जल्दी एक और नई वीडियो में। आज्ञा दीजिए, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत। बैठ जा गाड़ी में, बैठ जा गाड़ी कौन सी, बैठ जा। बाय बाय पपनिया। चलिए गाइस सब निकलते हैं क्योंकि सूरज पूरी तरह से ढल चुका है। मस्त मौसम है यार।